हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सैमसंग के गैलेक्सी नोट 9 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये लॉन्च हो चुका है ग्लोबली, और यहाँ पर कल जो है उसकी ऑफिशियल प्राइसिंग इंडिया वाली वो भी बता दी गई है। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। आज इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं नोट 9 को सैमसंग के गैलेक्सी नोट 8 से। क्या आपको मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं, और इससे आप डिसाइड कर पाएंगे क्या एक्चुअली में आपको अपग्रेड करना चाहिए नोट 9 पे या नहीं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और मेरा नाम है हरि प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। और देखिए स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले डिजाइन से। तो डिजाइन में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मतलब नोटिस करने वाली जो डिफरेंस आया है वो आया है फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट। जो नोट 8 था उसमें आपको कैमरा मॉड्यूल के साइड में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन अब जो है आपको ये मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर कैमरा मॉड्यूल्स के नीचे, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर जो अपने फिंगर की रीच ज़्यादा सही होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑब्वियसली यार प्रैक्टिकल सी बात है, सीधे सीधे वहाँ पर जो है उंगली पहुँचाने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है फिंगरप्रिंट सेंसर का। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन में जो बहुत ही ज़्यादा माइनर डिफरेंस है क्वालिटी में, नहीं सिर्फ साइज़ में डिफरेंस है, वो है 6.4 इंच की डिस्प्ले आपको नोट 9 में देखने को मिलती है। हालांकि 6.3 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती थी नोट 8 में। बाकी क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड और पीछे साइड से जो कर्व्ड है इन्फिनिटी डिस्प्ले आप जैसे बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है नोट 9 आपको थोड़ा सा मोटा या हल्का सा मोटा देखने को मिलता है, जिसके बारे में आपसे आगे बात करूँगा ये एक्चुअली मोटा क्यों है। तो फिलहाल के लिए डिज़ाइन में इतना ही कंपैरिजन है कि फ़ोन थोड़ा मोटा है। और तो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की, जो कि आपको नोट 8 में देखने को मिलते थे और नोट 9 में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उससे अच्छे फीचर्स देखने को। तो देखिए सबसे पहला आपको PC एक्सपीरियंस अगर चाहिए होता था अपने फ़ोन से, तो आपको डेस्क पैड चाहिए होता था, जिससे कि आप अपने PC में कंटिन्यू कर पाएंगे अपने वर्क को PC वाले तरीके से। तो यहाँ पर जो है डेस्क पैड की अब ज़रूरत नहीं है, अब आपको इनबिल्ट डेस्क पैड देखने को मिलता है अपने नोट 9 में। सिंपल आपको एक HDMI to USB Type-C वाला एडेप्टर चाहिए होगा, बस उसे कनेक्ट करिए अपने PC में और बस डेस्क पैड वाली जो एक्सपीरियंस है वो आप बस सिंपली एक केबल से ही ले पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है इमोजीज़ में भी की गई है, जो AR इमोजीज़ हैं एप्पल को देखने के बाद सभी ने AR इमोजीज़ शुरू करी हैं, वो जो है थोड़ी इम्प्रूव्ड हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको S Pen, जो ऑब्वियसली यार नोट सीरीज़ की जान मान शान होती है S Pen, वो आपको इसमें देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि यहाँ पर जो है एक नया फीचर ऐड हुआ वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला। ऑब्वियसली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स भी हों। साथ ही साथ इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की वजह से इसमें कोई एक बैटरी भी है, जिससे चार्ज करने के लिए आपको 40 सेकंड देने होते हैं फ़ोन के अंदर इंसर्ट करके, उसके बाद आप इस S Pen को आधे घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हार्डवेयर चेंजेस की। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा मेजर हार्डवेयर चेंज जो आएगा दोनों फोन्स के बीच में वो एक साल के गैप है, तो डेफिनेटली प्रोसेसर नया आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन के 845, जो कि US मार्केट्स और शायद इंडिया में भी इसी प्रोसेसर के साथ ये लॉन्च होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऑब्वियसली, मतलब मान लीजिए इसी प्रोसेसर के साथ होगा। और दूसरा जो है सैमसंग अपने खुद के प्रोसेसर के साथ भी लॉन्च करती है, जिसमें से आपको सैमसंग का एक्सिनोस 9810 प्रोसेसर इस नोट 9 में देखने को मिलता है। साथ ही साथ हार्डवेयर चेंजेस में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की हुई है कि आपको जो है कूलिंग सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लिक्विड कूलिंग पाइप्स थे वो आपको लगभग पूरे आधे फ़ोन में फैले हुए हैं, जिससे कि हीटिंग का इशू आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। ग्लास बैग है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंसुलेशन चलती है, तो गर्म होता था पहले, अब वो भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है आपको कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फ़ोन थोड़ा सा मोटा हो चुका है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था। बाकी एक और वजह भी है जिस वजह से फ़ोन हल्का सा नोट 8 से मोटा है, जिसके बारे में अभी आगे बात करते हैं हम लोग। वो तब बात करते हैं स्टोरेज की। तो यहाँ पर जो नोट 8 था वो आपको सिर्फ मिलता था एक 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसे एक्सपेंड कर सकते थे 256GB तक इंटरनल मेमोरी को SD कार्ड लगा के। हालांकि अब जो है आपको नोट 9 मिलता है वो मिलता है दो वेरिएंट्स में, जैसे पहला वेरिएंट है वो है एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, और जो दूसरा वेरिएंट है वो है 8GB रैम और 512GB यानी 512GB इसकी इंटरनल स्टोरेज के साथ। जैसे आप फर्दर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 512GB यानी 512GB का एक microSD कार्ड और लगा सकते हैं, जिससे कि आपके फ़ोन में 1TB तक की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, यानी फ़ोन में 1TB की स्टोरेज लेके आप घूम सकेंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सरप्राइजिंग बात है कि एक इतना बड़ा फ़ोन है उस फ़ोन के साइज़ के आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलती है 1TB की, लेकिन आप फ़ोन में 1TB की स्टोरेज है, काफ़ी कमाल की बात है। आगे बात करते हैं अब कैमरा की। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले नोट 8 में मिलते थे 12+12 मेगापिक्सल के कैमरा, जिसमें से जो पहला कैमरा था वो आपको मिलता था f/1.7 अपर्चर के साथ, और सेकेंडरी वाला जो टेलीफोटो लेंस था वो मिलता था आपको f/2.4 अपर्चर के साथ। लेकिन अब जो बात है वो ऐसी है कि आपको मेगापिक्सल काउंट तो खैर इंक्रीज नहीं हुआ, 12+12 मेगापिक्सल का आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक में नोट 9 में भी। लेकिन यहाँ पर जो डुअल कैमरा सेटअप में जो प्राइमरी सेंसर है 12 मेगापिक्सल का, वो आपको अब मिलता है वेरिएबल अपर्चर के साथ, जो कि स्टार्टिंग होती है f/1.5 से लेकर f/2.4
2.4 तक के अपर्चर को ये सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत सही बात है। और जो दूसरा 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो भी f/2.4 अपर्चर का टेलीफोटो लेंस है। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दोनों में ही आपको बहुत ही बेहतरीन वाला कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ फ्रंट कैमरा में कोई मेजर अपग्रेड या अपग्रेड है नहीं। होगा तो बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर जो फोन है जो नोट 8 है वो आपको पहले देखने को मिलता है 3500 mAh की बैटरी के साथ, लेकिन अब जो नोट 9 है वो आया है थोड़ी इम्प्रूव्ड और बिगर बैटरी के साथ, जो कि है 4000 mAh की बैटरी, जो कि आपको फुल डे का बैकअप दे देगी 6.4 इंच की डिस्प्ले के साथ, पूरे दिन का आपको अप्रॉक्स बैकअप दे देगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो है बैटरी को थोड़ा इंक्रीज़ किया गया था, जिस वजह से ये दूसरा रीज़न है जिस वजह से फ़ोन आपको थोड़ा सा मोटा देखने को मिलता है। और तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग की, अब प्राइसिंग की कंपेयर करने के लिए रह गई है, बाकी तो मेरे सब पास सब कुछ हो चुका है कंपेयर करने के लिए, क्योंकि बात अब प्राइसिंग पे आके अटक जाती है। तो देखिए यहाँ पर प्राइसिंग की बात करें तो नोट 8 जो है वो आपको 64 GB वाला वेरियंट देखने को मिलता था सिर्फ, जो कि आपको 74-75,000 के अप्रॉक्स लॉन्चिंग के टाइम पड़ा था, लेकिन अब जो है ये आपको 55,000 के आसपास ये मिलने वाला है। लेकिन जो नोट 9 है वो अब लॉन्च हो चुका और इंडिया में इसकी प्राइसिंग ऑफिशियल कर दी गई, जिसमें से जो आपका 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 67,900 रुपीज़ का, और जो 8 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा 84,900 रुपीज़ का। तो यहाँ काफ़ी बड़ा डिफरेंस है प्राइसिंग में, और मैं आपको बता दूँ ये दोनों फोन जो है IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, दोनों ही वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ हैं सेम बिल्कुल। बाकी प्राइसिंग में जितना डिफरेंस है उतना यार इन दोनों के फीचर्स में डिफरेंस नहीं है। अब फ्लैगशिप है, फ्लैगशिप खरीदते ही लोग इसलिए क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे। अगर आप फ्लैगशिप लेने की सोच रहे हैं तो नोट 8 लेना पसंद करेंगे, नोट 9 इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी वीडियो आपके लिए, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें बिना कहीं मत जाइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जमाने से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही बार और मिलेगा पहले कहीं जमाने से होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और मिस भी मत किया करें कि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, हेल्पफुल भी लेके आता हूँ। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।